मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसूं। हाय गाइस, ये देख रहे हैं इतना बड़ा हो गया मेरा सावनी का पेड़ और इसमें बहुत बेहतरीन से फूल खिले थे, पर इस बरसात में हुआ क्या, ये देख रहे हैं इसके नीचे एक अपने आप से एक पेड़ उग गया है। ये देखिए इसकी जड़ की वजह से यहाँ पर उगा हुआ है। तो फ्रेंड्स आइए मैं इस पौधे को यहाँ से उखाड़ के ले जाऊंगा अपने स्कूल में, वहां पे लगा दूंगा क्योंकि यहाँ पर तो एक ही सफिशियंट है। तो आइए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ अपने खोदने के लिए इसको। यहाँ पे रखे हैं मेरे खुरपी उर्पी, तो ये देखिए ये मैंने यहाँ से ले लिया और यहाँ से एक और ले लेता हूँ, ये देखिए खुरपी। तो चालू करते हैं हम लोग इस खुदाई। ये देखिए बेहतरीन सा यहाँ पे उगा हुआ है। फ्रेंड्स ये देखिए इतने अंदर से ये गया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे घुसा हुआ है, इस पत्थर के नीचे है, ये इस पत्थर के नीचे है, ये देखिए जड़। अगर मैं इसको यहाँ से खींच, ये देखिए भाई इसका पौधा है, ये इसके रूट, ये मैंने उखाड़ लिया है यहाँ पर और इसमें अभी भी रूट है। तो इसको मैं अभी लगा देता हूँ इस पॉली बैग में और इसके बाद दो चार दिन मैं यहाँ रखूंगा, जब देखूंगा कि ये सेटल हो गया है फाइनली तब मैं इसको लेके जाऊंगा। तो आइए हम इसको लगा देते हैं। फ्रेंड्स एक ये वाला देख रहे हैं, ये भी इसी तरह से वहां पे उगा हुआ था तो ये इतना बड़ा हो गया है। ये देखिए ये भी यहाँ वहीं से मैंने उखाड़ा था। तो फ्रेंड्स इस तरह से बहुत सारे पौधे होते हैं जो अपने आप जड़ों से, जिनमें बहुत सारे पौधे जड़ों से उग जाते हैं, हम उनकी कटिंग लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पर ये देखिए ये जो मेरा एक्सोरा का पौधा है, तो यहाँ पे देखिए इसके जड़ों से बहुत सारे ये उगे हैं, ये देखिए इधर, ये देखिए यहाँ, तो ये जड़ों से भी इस तरह से बहुत सारे उग जाते हैं। इधर देखिए तो इनकी जड़ों में, ये देखिए इनकी जड़ों से इससे भी उगा और इससे भी उगा। तो ये एक प्रोपेगेशन का ये तरीका है, अपने आप नेचर ये सब करती रहती है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।